फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो डिस्कशन है, हम लोग वी आर टेकिंग अप इनोवेटिव इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में आपके लिए। एवरी टाइम वी आर कमिंग अप विद न्यू टेक्नोलॉजीज। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड क्लाउड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, 5G टेक्नोलॉजीज, जो हम लोगों ने अभी इस वीक कवर करी है। डेफिनेटली पहले भी काफी कवर करी थी। आज का जो है, दिस इज अ बिट डिफरेंट एंड समथिंग एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। अब एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जो है, जिसको हम लोग 3D प्रिंटिंग बोलते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। पूरा कंसेप्ट हम लोग ने विद एडवेंट ऑफ ह्यूमन, हम लोग ने स्टोन एज से जो बनाना स्टार्ट करा था, वो ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग जो थी, वो एक बड़ा सा पत्थर लिया, उसको घिस के तोड़ के उसके हिसाब से ऑब्जेक्ट्स बनाना था। तो इट इज ऑलवेज बीन कि हम लोगों ने काट काट के बनाया है, जिसमें वेस्टेज होती आई है, जिसमें बनाने के अलग फीचर्स, एक अलग वो रहा है स्टोन एज, आयरन एज। ज्यादातर जगह कुछ जगह एडिटिव रहा है, लेकिन वो बहुत ही लिमिटेड में रहा है। अब ये जो टेक्नोलॉजी है, ये एकदम नई चीज लाता है कि हम मटेरियल को ऐड करके कुछ बना सकें, जिसके दिस इट्स नॉट ओनली अ न्यू टेक्नोलॉजी, इट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट कंसेप्ट, जिससे बहुत चेंजेस आते हैं एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इसका यूज हो रहा है। आप देखो, कुछ भी नया प्रोटोटाइप बनाना, कुछ भी नया बनाना बहुत आसान हो गया है। If there are few technologies जिनके कारण हम लोग का बाकी सब पे भी बहुत फर्क पड़ता है, तो I am sure 3D printing उस technologies में बहुत important जगह है। पहले कुछ नया बनाने के लिए उसका पहला prototype बनाना, नया पहली चीज बनाना, पहला sample बनाना, ये एक बहुत ही complicated काम रहता था। काफी सारे आई एम श्योर, और अगर पूरी हिस्ट्री उठाएं तो काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस इसीलिए आ ही नहीं पाएंगे, पहला प्रोटोटाइप ही बनाना इतना कॉस्टली था कि उनका खर्चा हो गया, इतना कॉम्प्लिकेटेड था। आज की डेट में बहुत इजी है। सो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एंड 3D प्रिंटिंग इज नॉट रिलेटेड ओनली टू मैकेनिकल, इट इज समथिंग विच इज बीन एक्सटेंसिवली यूज इन डाइवर्स फील्ड्स, एग्रीकल्चर में, सिविल में, इवन कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल में। आप कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो आप इसको यूज करते हैं, आप इसको यूज करके इसका करके ही आप एक नया मॉडल बना सकते हैं, फिर आप उसको मैन्युफैक्चरिंग लॉन्ग टर्म में ले जा सकते हैं, या अगर आपको कस्टमराइज बनाना है तो आप इसका परमानेंट भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि बड़े बड़ी जगह होता है। तो आई विल जस्ट, आई एम वेरी मच हैप्पी कि आज हम लोग का टू पीपल, दे हैव कम अप, सचिन एंड विशाल। एंड हम लोग के कॉलेज में, वी आर वन ऑफ द कॉलेजेस जिसके पास 3D प्रिंटिंग का पिछले ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से हम लोग के पास मशीन है 3D प्रिंटिंग का। कानपुर वाली मशीन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई थी, वो रिपेयर हो रही है। अलीगढ़ की मशीन में बार बार हम लोगों ने काफी सारे मॉडल्स बनाए हैं, काफी सारे प्रोटोटाइप्स बनाई हैं। आई एम श्योर कि जब वापस कॉलेज खुलेगा तो सारे स्टूडेंट्स विल बी वेलकम, कानपुर में भी आप इसको यूज करें। सो ये आपके CV में रखने के लिए, लगाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड इस टेक्नोलॉजी को अगर आप ढंग से समझ सकेंगे तो आपका स्टार्टअप अगर आप करते हैं तो उसमें भी बहुत यूज होगा। सो सचिन and Vishal, you please go ahead with your presentation. I welcome you all and I expect ki sare log isko related, hum log isko YouTube mein bhi dalenge, lekin aap notes banaye, isko aage bhi study kare. Thank you. So Sachin, please come, you can start your presentation. Sachin ji, aap to pehle aap logon mein jo bhi bole bolna cha rahe ho wo unmute kar le. Sachin ji, ओके सर, ओके, आप स्टार्ट करेंगे? अनम्यूट कर लिया मैंने। आप स्टार्ट करेंगे? यस सर, यस सर। अच्छा, हाँ सर, ठीक है, ठीक, एक वीडियो ऑन कर लीजिए। ओके सर, डिसेबल आ रहा है अभी तो। ऑन करिए, अब ऑन करिए। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। सर आवाज क्लियर आ रहा है मेरा? हाँ, आवाज क्लियर है, वीडियो ऑफ है। आप वीडियो सर ऑन कर लिया मैंने, इधर से तो ऑन है। अभी नहीं शो कर रहा है, फिर से आप ऑन कर लीजिए। अभी शो नहीं कर। सचिन, अलीगढ़ का ये तो सेम नाम का है, ये प्लीज म्यूट हो जाइए या अभी म्यूट करो ना। मैं ना उसे। हाँ सर, अभी बारी बारी हुई है, बने बातें लगे आ रही है। सचिन अलीगढ़ को म्यूट कर। सचिन जी, ठीक है, आप क्लियर है आपकी सर, आ वीडियो? हाँ, आ गई अभी। हाँ ठीक है, क्लियर हो। ओके सर, कैन आई शेयर माय PPT? हाँ हाँ, एक मिनट बस, शेयर करिए। सो शेयर करिए, शेयर करिए, स्टार्ट करिए।
ओके सर ओके सबसे पहले तो मैं थैंक यू चेयरमैन सर एंड डीन सर का जो हमको ये अपॉर्चुनिटी दिए हैं। आज हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो मैन्युफैक्चरिंग की जो हमारी टेक्नोलॉजी आई है नई, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में क्या है हमारा कोई भी प्रोडक्ट अगर हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर करंटली किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर हमको कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, ऐसा ही नहीं कि हमको केवल मैकेनिकल से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बनाना है। हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो कहाँ पे कर रहे हैं, मेडिकल लाइन में कर रहे हैं। ह्यूमन ऑर्गन्स को बना रहे हैं, ह्यूमन बोन्स की मतलब हम लोगों को अगर बनाना है तो वो सारी चीजें हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की मदद से बना पा रहे हैं, कोशिश मतलब कर पा रहे हैं उनको बनाने की। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ये जो पूरा लेक्चर रहेगा हम इसको दो पार्ट्स में देखेंगे। जो हमारा पहला पार्ट है वो मैं कवर करूंगा यहाँ पर, जो कि हमारा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का हम बेस बताएंगे आप लोगों को होता क्या है, और उसके बाद जो रहेगा थोड़ा सा 3D प्रिंटर का पार्ट रहेगा। क्योंकि हम लोग कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पर जो भी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में जो चीज भी बना रहे हैं उसको हम लोग 3D प्रिंटर की हेल्प से बना रहे हैं। तो 3D प्रिंटर का वर्किंग क्या है, 3D प्रिंटर होता क्या है, ये जो चीजें हैं वो मिस्टर विशाल सिंह सर बताएंगे आप लोगों को। तो अभी हम लोग यहाँ पर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या है सबसे पहले तो वो देखेंगे। इंट्रोडक्शन, व्हाट इज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। देखो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कोई भी चीज को बनाते हैं। अगर जैसे मान लो हम लोग कोई भी चीज बनाना होता है, सबसे पहले क्या है हम लोग जो अगर कन्वेंशनल प्रोसेसेस में चले जा रहे हैं तो हमको अगर कोई भी चीज बनाना होता था तो हम लोग एक छोटा सा मटेरियल लेते थे। सपोज दैट हमको कोई प्रोडक्ट बनाना है, कोई भी प्रोडक्ट अगर हमको बनाना है तो उस प्रोडक्ट को हम लोग किस चीज से बनाते थे, या तो मशीनिंग से बनाते थे, हमको कोई भी शाफ्ट बनानी थी या कोई भी पार्ट बनाना था छोटा सा छोटा, कोई भी टॉय खिलौना वगैरह जो भी बनाना है उसको हम लोग सबसे पहले बनाते थे मशीनिंग से। मशीनिंग करके बनाते थे हम लोग, पूरा एक ब्लॉक लेके आते थे, धीरे धीरे उसको कट किया, उससे हम लोगों ने अपना प्रोडक्ट बनाया। बट एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में क्या आया, हमने वही चीज को कट करके ना बना के क्या किया, लेयर बाय लेयर फॉर्म में हमने क्या किया, मेटल को डिपॉजिट करना स्टार्ट कर दिया। हमने क्या किया है, एक हमने पूरा एक सिस्टम बनाया जो क्या कर रहा है, हमने मटेरियल को लिया, मटेरियल को उसने क्या क्या मेल्ट किया है और लेयर बाय लेयर क्या कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है। जब वो लेयर बाय लेयर डिपॉजिट कर रहा है तो हमारा कुछ देर बाद क्या हुआ, पूरा का पूरा जो हमारा प्रोडक्ट है वो बन के तैयार होगा। तो बेसिक जो इसका बेसिक प्रिंसिपल वो यही है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, कंप्यूटर में इसका एक 3D डिजाइन बनाते हैं। अब 3D डिजाइन बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, ऑटोकैड हो गया, सॉलिड वर्क हो गया, इन्वेंटर हो गया, क्रियो, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। अगर हम सॉफ्टवेयर से ना भी बनाना चाहें तो हमारे पास 3D स्कैनिंग भी अवेलेबल है, हम उस प्रोडक्ट का 3D स्कैन कर सकते हैं। हम उस 3D स्कैन को क्या करेंगे, कंप्यूटर पर डालेंगे, उसके बाद हम उसको कुछ प्रोसेस करके सीधा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग मशीन पे अप्लाई करके करेंगे क्या, हमारा जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा। अच्छा, इस जो प्रोसेस है इसमें किसी भी तरह के प्रोसेस प्लानिंग की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्या है, सीधा हमने मॉडल बनाया, मॉडल बना के हमने उसको क्या कर दिया, डायरेक्ट फैब्रिकेट कर दिया। तो इसीलिए ये बहुत ही रैपिडली होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रैपिड प्रोटोटाइपिंग भी बोलते हैं, यानी रैपिड मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे इसका प्रिंसिपल देखें तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने जो किया है, यहाँ पे हम लोग जो चीजें देख पा रहे हैं वो सारी ये है कि ये हम लोगों को कुछ इस तरह का एक प्रोडक्ट बनाना था। हमने क्या किया है, ये प्रोडक्ट हम डायरेक्ट भी बना सकते थे अगर यही मतलब जो भी इमेज है अगर इसको हमको बनाना है, ठीक है। तो एक तो चीज यही हुआ कि हमने क्या लिया, स्टोन लिया है, स्टोन को हमने कट करके धीरे धीरे इसको क्या बना दिया, पूरा बना दिया। बट अगर हम वो ना करके हमने क्या किया, इस तरह का जो भी मॉडल था उसकी स्लाइसिस बना ली। ये यहाँ पे देख पा रहे होगे ये क्या है, सारी स्लाइसिस है, ये सारी स्लाइसिस है। तो ये स्लाइसिस हमने बना ली है और एक दूसरे के ऊपर एक स्लाइस रखी, उसके ऊपर दूसरी रखी, मतलब लेयर बाय लेयर हम रखते चले गए और बाद में हमको क्या मिल गया, ये प्रोडक्ट मिल गया। तो बेसिक जो प्रिंसिपल है हमारा वो इसका एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का वो यही है कि क्या है, हम चीजों को लेयर बाय लेयर अप्लाई करके एक लेयर उसके ऊपर दूसरी लेयर उसके ऊपर तीसरी लेयर इस तरह से मतलब रख के हम लोग चीजों को बना रहे हैं। इसका फायदा क्या है, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट मशीनिंग से बनाते हैं, सपोज दैट हमको एक प्रोडक्ट बनाना है तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक ब्लॉक लेंगे, उसको हम कट करेंगे, कट करेंगे तो हम कुछ प्रोडक्ट बना पाएंगे।
अच्छा होगा क्या, प्रोडक्ट तो हमारा बन जाएगा बट हमारे पास जो आएगा स्क्रैप बहुत आएगा, क्योंकि इसमें जो हम मटेरियल कट करेंगे वो हमारे किसी भी काम का नहीं रहेगा, मटेरियल वेस्टेज बहुत होगा, ठीक है, स्क्रैप बहुत आएगा, तो ये हमारे किसी काम का रहेगा नहीं, तो ये प्रॉब्लम आ रही थी सबसे ज्यादा। दूसरी चीज क्या है, इसमें टाइमिंग भी बहुत लग रही है, मशीन से हम धीरे धीरे काटेंगे उसको तो हमको टाइमिंग भी लगेगी। अब उसमें क्या है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, हमारे पास मटेरियल है, हमने उसको मेल्ट करके क्या किया, लेयर बाय लेयर फॉर्म में उसको बनाते चले गए, लेयर बाय लेयर फॉर्म में बनाते चले जाएंगे, और फिर उसके बाद हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। अब हम देख पा रहे हैं इसमें वेस्टेज बहुत कम होगा, अगर होगा भी तो बहुत ही माइन्यूट सा वेस्टेज होगा, ठीक है। मतलब अगर हम कन्वेंशनल प्रोसेसेस की बात करें या जो हमारे सब्ट्रैक्टिव प्रोसेसेस हैं उनकी अगर मदद उससे देखें, कंपेयर करेंगे हम लोग उस चीज से, अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमारे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, वेस्टेज बहुत कम हो रहा है, और दूसरी चीज है बहुत ही फास्ट हो रहा है ये वर्क। आगे अगर हम बढ़े तो एक छोटा सा यहाँ पे वीडियो है जिससे आप लोगों को समझ में आएगा कि पूरा प्रोसेस में हो क्या रहा है यहाँ पे, तो हम उस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। हम यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम जो भी हमको प्रोडक्ट अपना बनाना है, भी है वीडियो में वॉइस सर, वॉइस एक्चुअली है नहीं इस वीडियो, अच्छा है नहीं, चलिए है नहीं, ठीक है, मुझे लगा शेयर साउंड नहीं हुआ, ठीक, नहीं नहीं सर। अब सबसे पहले हम करेंगे क्या, जो भी हमारा ये कंप्यूटर है उस पे हमको जो भी प्रोडक्ट अपना बनाना है उसको हमने क्या कर लिया है, यहाँ पे मॉडल बना लिया, मतलब हमने जो भी हमारे पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल थे उन सॉफ्टवेयर्स पे हमने क्या किया है, उस प्रोडक्ट का मॉडल हमने यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस मॉडल को लेयर बाय लेयर क्या करेंगे, तोड़ देंगे उसको, हम क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा कि लेयर्स में तोड़ रहा है उसको सॉफ्टवेयर ही। अच्छा ये जो प्रोसेस होता है इसको हम STL बोलते हैं, STL फाइल में कन्वर्ट हो रहा है जो कि हमारा स्टीरियो लिथोग्राफी से लिया गया है। अब यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, उसको लेयर्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि हमको जो मशीन में देना है वो ये देना है कि कितनी लेयर हमको क्या है मटेरियल को डिपॉजिट करना है और कहाँ कहाँ पे डिपॉजिट करना है, तो हमने क्या कर दिया है उसको लेयर बाय लेयर में तोड़ दिया। उसके बाद हमने जो भी कमांड था वो हमने अपनी जो मशीन है हमारी जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की जो मशीन है उस पर हमने लगा दिया। अब एक्चुअली में जो ये वीडियो है ये हमारा सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग का है, इसमें क्या करेगा पाउडर को लाएगा, अब यहाँ पे इसने ये जो हमारा था यहाँ से पाउडर लेके गया है, अगर हम देखें यहाँ से पाउडर लेके गया है, यहाँ पे उसने पाउडर को छोड़ दिया है। अब हमारा ऊपर से लेजर लाइट आएगा और लेजर लाइट आएगा तो इस पाउडर को क्या करेगा मेल्ट करके क्या करेगा डिफ्यूज कर देगा, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। अच्छा एक लेयर जब वो मेल्ट करके डिफ्यूज कर देगा तो ये यहाँ से फिर से यहाँ पे लेके जाएगा मटेरियल को पाउडर को, वो फिर आएगा लेजर लाइट फिर डिफ्यूज करेगा, तो ऐसी लेयर बाय लेयर मटेरियल को आगे बढ़ाता जाएगा और वो क्या करता रहेगा डिफ्यूज करता जाएगा, अब बाद में हमारा ये प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा। अच्छा उसके बाद जब हमारा पूरा प्रोसेस हो जाएगा तो जो बाकी का मटेरियल था उसको हम निकाल लेंगे, जो हमारा प्रोडक्ट था उसको बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो प्रोडक्ट बना है देखो एक बार में बन गया, उसमें हमको कोई भी मतलब अलग से कोई भी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ रही है कि हमको बाद में ले लाके उसको मतलब हमने मशीन से निकाला उसको हमको फिनिशिंग करना पड़ रहा है, फिनिशिंग की रिक्वायरमेंट होगी बट वो रिक्वायरमेंट कितनी है ये डिपेंड करेगा कि हम किस थिकनेस की लेयर ले रहे हैं। अगर हम बहुत ही कम थिकनेस की लेयर लेके करेंगे तो हम उसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ज्यादा मतलब हाई थिकनेस की लेयर्स का प्रयोग करेंगे तब हमको क्या होगा वहां पे थोड़ा सा फिनिशिंग का जरूरत पड़ेगा। तो इस समय हमने क्या किया यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, अच्छा इससे क्या है हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स शेप का डिजाइन भी बना सकते हैं। अगर हम बात करें इसी जो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट बनाया है, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए अगर हम कोई कन्वेंशनल मेथड अपनाएंगे तो एक तो टाइम बहुत लगेगा, दूसरा इस तरह का डिजाइन बनाना मतलब बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, ना तो हम इसको कास्टिंग से बना सकते हैं, कास्टिंग से बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा इसका वो फिर से हमको इसका वो बनाना पड़ेगा जो मॉडल है, क्योंकि हमको कास्टिंग के लिए सबसे पहले तो एक कैविटी बनाना पड़ेगा, कैविटी बनाने के लिए हमको इसका एक प्रोटोटाइप बनाना पड़ेगा तो उसको भी बनाने में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हमने देख पाया बहुत ही इजीली बन गया और बहुत ही कम समय में बन जाएगा। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस दिखा रखा है, जो अभी हमने वीडियो में देखा है वही यहाँ पे है। सबसे पहले हमने क्या किया है वर्चुअल मॉडल बनाया है, ठीक है, कंप्यूटर पे अब हमको बनाना है, उसके बाद हमने क्या किया है STL फाइल में कन्वर्ट कर दिया। STL फाइल में कन्वर्ट करने के बाद क्या है वही है कि हमको जो भी हमारा मॉडल है उसको स्लाइस में काट देंगे, छोटे छोटे स्लाइसेस में काट देंगे, क्योंकि हमको क्या करना है जब मशीन में जाएगा वो
जब वो मशीन में जाएगा तो क्या करेगा, वो तो लेयर लेगा ना, कितनी लेयर है और किस हाइट तक लेयर को डिपॉजिट करना है, तो वो ये सारी चीजें लेगा। उसके बाद अगर हमारा बात करेंगे, अब क्या करेंगे हम लोग, मेकिंग फिजिकल लेयर ड्यू टू कॉन्टूर इन्फॉर्मेशन, जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके कारण हम क्या करेंगे, जो हम एक के ऊपर एक लेयर को क्या कर देंगे, रखते जाएंगे। उससे क्या होगा हमारा, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ये इतना हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार होगा और ये जो लेयर्स हैं इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगी। उसके बाद हमारा जो लास्ट में आएगा, हमारा जो फिजिकल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पार्ट हमको मिल जाएगा। तो अगर हम देखेंगे तो इस तरह से अगर हमको पार्ट बनाना है तो बहुत ज्यादा प्रोसेस प्लानिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम कन्वेंशनल मेथड से बनाएंगे कोई भी पार्ट तो हमको बहुत ज्यादा प्रोसेस प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। बट यहाँ पे देख पा रहे हैं हमको केवल कंप्यूटर पे बनाया, हमने मॉडल बनाया, उसको एसटीएल फाइल में कन्वर्ट किया और अगर हमारे पास एक छोटा सा 3D प्रिंटर है तो उसकी हेल्प से हम प्रोडक्ट को बना सकते हैं। अब अगर इवोल्यूशंस की बात करें तो ये छोटा सा एक टेबल है, उसमें बस यही है कि कैसे कैसे हमारा जो इवोल्यूशंस आया है। तो अगर देखें 1770 में मैकेनाइजेशन हुआ था, मशीन स्टार्ट हुई थी, बनना स्टार्ट हुई थी, ह्यूमन ने मशीनों को जानना स्टार्ट किया था। उसके बाद हमारा 1946 में पहला कंप्यूटर बना था, फिर जब हम आगे बढ़े कंप्यूटर बन गया, फिर हमने क्या किया कंप्यूटर को मशीन से जोड़ने का कोशिश किया, तो 1952 में हमारा फर्स्ट न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन टूल बना था। उसके बाद थोड़ा और मतलब हमारा एनसी मशीन बन गया, उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे डेवलप हुए, हमने फिर 1960 में क्या किया फर्स्ट कॉमर्शियल लेजर बनाया, ठीक है। उसके बाद हमने 1961 में फर्स्ट कॉमर्शियल रोबोट बनाया। उसके बाद 1963 में हम देख पा रहे हैं हमने क्या किया, ग्राफिक सिस्टम को क्या किया है इंटरेक्टिव किया, मतलब हमने कैड का सबसे पहले जो आया वर्जन आया, मतलब जो भी हम चीजें बना रहे थे उस टाइम हम बना रहे थे तो सारी चीजें हमको क्या है फिजिकली बनानी पड़ रही थी। 1963 में हमने कैड का फर्स्ट वर्जन लॉन्च किया था और उसके बाद क्या हुआ चीजों को हम सबसे पहले कंप्यूटर पे बना के देखने लगे, ठीक है। उसके बाद हमारा 1988 में हमारा फर्स्ट कॉमर्शियल रैपिड प्रोटोटाइपिंग सिस्टम आया, मतलब 3D प्रिंटिंग सिस्टम आया था 1988 में। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे कि जो हमारी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है और CNC मशीनिंग में अंतर क्या है, मशीनिंग में क्या कर रहे हैं हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, मेटेरियल को क्या करते हैं हटाते हैं, पर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो वही सारी चीजें हैं, अगर हमने सबसे पहले मटेरियल लिया उसके बाद हमने मशीनिंग की, मशीनिंग करने का मतलब है सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग की, हमने इसमें से क्या किया मशीन की हेल्प से इस मटेरियल को कट किया, धीरे धीरे चिप्स के फॉर्म में रिमूव किया। जब हमने चिप्स के फॉर्म में रिमूव किया हमको जाके ये कि प्रोडक्ट मिल गया, लेकिन हमको प्रोडक्ट तो मिला साथ साथ में हमको ये बेस्ट मटेरियल भी मिला, मतलब क्या मिला स्क्रैप भी मिला, ये हमारे किसी भी रिक्वायरमेंट का है नहीं, ये हमारा खराब है, हमने मटेरियल लिया है। अब मटेरियल किसी भी फॉर्म में हो सकता है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, हम किसी भी प्रोसेस जिस प्रोसेस को यूज करेंगे उस हिसाब से हम मटेरियल को लेंगे। अगर हमको लेजर सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग करनी है तो हम पाउडर फॉर्म में लेंगे, अगर हमको फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग करनी है तो क्या करें हम लोग स्ट्रिप फॉर्म में लेंगे, स्ट्रिप को लेजर के हेल्प से मेल्ट करेंगे और उसको डिपॉजिट करेंगे। तो जिस फॉर्म में जो हम टेक्नोलॉजी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से हम यहाँ पे क्या करेंगे मटेरियल को लेंगे। मटेरियल लिया उसके बाद हमने लेयर बाय लेयर क्या किया है मटेरियल को डिपॉजिट किया, जो कि क्या है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। एडिटिव का मतलब यही है कि हम मटेरियल को ऐड कर रहे हैं और सब्ट्रैक्टिव का मतलब क्या है हम मटेरियल को धीरे धीरे हटा रहे हैं। बाद में हमको क्या मिला 3D प्रोडक्ट मिला। लेकिन अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो जो हमारे वेस्टेज है वो बहुत कम है, बहुत ही कम स्क्रैप मिला। स्क्रैप मिलेगा, ऐसा नहीं कि स्क्रैप नहीं मिलेगा, बहुत ही कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो डिवाइस को थोड़ा बहुत होल्ड करेंगे तो वो थोड़ा बहुत ही स्क्रैप मिलेगा यहाँ पर। बट अगर हम सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे तो वहां पे हमको एक हाई अमाउंट में स्क्रैप मिलता है जो कि हमारे लिए अनवांटेड है, हमको वो चाहिए ही नहीं है, हमको तो केवल प्रोडक्ट चाहिए। तो वो हमको जब चाहिए ही नहीं तो वो हमारे किसी काम का नहीं। तो इसीलिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में क्या है चीजें एक तो जल्दी भी बनती है, दूसरा मटेरियल भी कम, अंतर वही है। सबसे पहला मटेरियल, अगर मटेरियल की बात करेंगे तो देखो दूसरी चीज ये भी है कि बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हाई हार्डनेस रखते हैं। हार्डनेस का मतलब क्या है हम उनको टूल से कट नहीं कर सकते। अब जब टूल से कट नहीं कर सकते हैं तो मशीनिंग से तो हम बना नहीं सकते, मतलब उसको हम सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग से नहीं बना सकते क्योंकि हम उसको कट ही नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लेकिन हम उस मटेरियल को क्या करें पाउडर फॉर्म में बना लिए। पाउडर फॉर्म में बनाने के बाद हमने क्या कर दिया सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग कर दी, उससे बन गया। तो हम
अगर हम बात करेंगे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के, तो हम हाई हार्डनेस वाले मटेरियल का भी हम मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे कर सकते हैं। स्पीड की बात करेंगे तो सीधी सी बात है भाई, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में स्पीड ज्यादा रहेगी, अगर हम मशीनिंग से करेंगे तो इतना हाई स्पीड नहीं मिलेगी। इजी टू यूज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जो भी प्रोसेसेस हैं बहुत ही इजी हैं, यूज करने में इजी है, क्योंकि मशीनिंग जो प्रोसेसेस हैं उनमें एक तो खतरा रहता है, चिप्स निकलती हैं, कोई भी जो भी ऑपरेटर, सपोज करो अगर हम सीएनसी की बात ना करें, कन्वेंशनल मशीन की बात करें, अब उसको एक ऑपरेटर चला रहा है, अब वहां पे चिप्स निकलनी है, वो चिप्स क्या है, उस ऑपरेटर को भी हार्म पहुंचा सकती हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसमें बात करेंगे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में, तो यहाँ पर तो कुछ ऐसा निकल ही नहीं रहा ना, कोई चिप्स वगैरह तो फॉर्म ही नहीं हो रही है, सीधे लेयर बाय लेयर डिपोजिशन हो रहा है, तो ये इजी टू यूज भी है। अच्छा, एक्यूरेसी एंड साइज लिमिट एंड ज्योमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग हाई एक्यूरेसी देगा, साइज का लिमिट नहीं है इसमें, किसी भी तरह का कोई साइज लिमिट नहीं है, बट मशीनिंग में है। मशीनिंग में साइज लिमिट इसलिए है क्योंकि हमको जो भी हम प्रोडक्ट बनाएंगे वो मटेरियल क्या होगा, हमको मशीन में होल्ड करना पड़ेगा, तो वहां पे साइज लिमिट है। बट एक्यूरेसी की बात करें तो हम इतना हाई एक्यूरेसी भी नहीं पा सकते हैं मशीनिंग से, नॉर्मल अगर मशीनिंग से बात करेंगे तो हम इतनी हाई एक्यूरेसी नहीं पा सकते हैं, बट यहाँ पे हम कर सकते हैं। एक्यूरेसी पाने के लिए करना बस यही पड़ेगा, हमको जो लेयर की थिकनेस है वो बहुत ही कम रखनी पड़ेगी। ज्योमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो कितनी भी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री हो हम यहाँ पे बना सकते, अभी हम लास्ट में एक एप्लीकेशन के तौर पे इसका वीडियो देखेंगे, वहां पे हम देखेंगे कितनी कितनी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री है जो हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के हेल्प से बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो प्रोग्रामिंग सीएनसी मशीनिंग में प्रोग्रामिंग अलग होगी, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का जो लेजर मशीन है हमारी ऑटोमेटेड होती है, उसमें प्रोग्राम अलग देने पड़ते हैं। कॉस्ट की बात करेंगे तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के जो प्रोडक्ट रहेंगे वो अगर हम थोड़ा सा देखें, जो सीएनसी मशीन के प्रोडक्ट हैं और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्ट हैं, तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के जो भी प्रोडक्ट रहेंगे वो थोड़े क्या होंगे, कॉस्ट में थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, ठीक है, बट अगर हम मास प्रोडक्शन की बात करेंगे तो टाइम कम लगता है हमको। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के जो भी प्रोडक्ट रहेंगे उनमें टाइम, जब हमारा मास प्रोडक्शन करेंगे टाइम कम लगेगा, तो अगर हम ओवरऑल कॉस्ट की देखेंगे तो कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी। दूसरी चीज, एनवायरमेंटली फ्रेंडली है हमारी जो भी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जो भी टेक्नोलॉजीज है वो एनवायरमेंटली फ्रेंडली किस लिए है, क्योंकि अगर हम मशीनिंग करते हैं तो बहुत सारा स्क्रैप वेस्टेज वगैरह सब कुछ निकलता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की जो भी टेक्नोलॉजीज है वो एनवायरमेंटली भी फ्रेंडली होती है। आगे देखेंगे तो 8 स्टेप होते हैं कोई भी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को करने के लिए। जो सबसे पहला हमारा स्टेप है वो है कॉन्सेप्चुलाइजेशन एंड कैड, मतलब जो भी प्रोडक्ट हमको बनाना है सबसे पहले तो उसका कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आएगा, कोई भी हमको प्रोडक्ट बनाना है, उसके बाद हम उस प्रोडक्ट को सबसे पहले कहाँ पे डिजाइन करेंगे, अपने कैड मॉडल बनाएंगे, कंप्यूटर पे उसका CAD मॉडल बनाएंगे। CAD मॉडल बनाने के लिए हमने भी पहले ही बताया है कि हम किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं, जनरली हम लोग सॉलिड मॉडलिंग ही करते हैं, ठीक है, या फिर हम इसका क्या कर सकते हैं 3D स्कैनिंग भी कर सकते हैं, जैसे हमको कोई भी फोन बनाना है हमने फोन का 3D स्कैन कर लिया CAD में डाल दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे कन्वर्जन टू STL फॉर्म करेंगे। अच्छा, STL फॉर्म में क्या होता है, जो भी सर्फेसिस होती है, यहाँ पे मैं जैसे आप लोगों को दिखाऊंगा, जो भी सर्फेसेस हैं, जैसे हमको एक प्रोडक्ट बनाना है कुछ इस तरह का, सॉरी, कुछ इस तरह का एक हमको प्रोडक्ट बनाना, मान लो ये बाउल बनाना है हमको, तो ये हमने क्या किया है, मतलब जो भी हमारा ऑटो कैड या जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है उस पे हमने क्या किया है, कैड का एक मॉडल बना लिया। एसटीएल फॉर्म का मतलब है इसकी जो सर्फेस है उसको ट्राइंगल फॉर्म में क्या करेंगे, छोटे छोटे ट्राइंगल्स में क्या कर देंगे, तोड़ देंगे, मतलब यही इस तरह से छोटे छोटे ट्राइंगल्स में हम क्या करेंगे, इसके जो भी इसका सरफेस है उसको छोटे छोटे ट्राइंगल्स में हम तोड़ देंगे, कन्वर्ट, मतलब कन्वर्जन करना है उसको ट्राइंगुलर फॉर्म में सर्फेसिस को। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ट्राइंगल्स में हम इसको तोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमको क्या चाहिए, देखो ये जैसे बाउल है इसमें बहुत जगह पे हमारा कर्व भी है, ठीक है, बहुत जगह हमारे कर्व भी है, तो हमको जब लेयर बनानी है तो लेयर जब हम बनाए तो ऐसा ना हो कि हमने जब लेयर बना के जब हमने प्रोडक्ट बनाया तो हमारा कहीं जब हमने प्रोडक्ट निकाला है तो कुछ उसमें एक्स्ट्रा सरफेस ना आ रही हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, छोटे छोटे सरफेसेस में हम जो हमारा पूरा सरफेस है उसको हम क्या कर लेंगे, तोड़ देंगे। तो ऐसा जिस भी प्रोसेस में होता है उसको हम लोग कन्वर्जन टू STL फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। STL जो वर्ड है हमारा वो स्टीरियोलिथोग्राफी से लिया गया है। अब ज्यादा डिटेल में अभी तो हम लोग यहाँ पे बात नहीं कर सकते क्योंकि एक लेक्चर में पूरा कंप्लीट करना भी इम्पॉसिबल है,
बिकॉज ये एक पूरा एक अलग ही सब्जेक्ट है, तो आगे हम और भी सेशंस कर लेंगे जिसमें हम सारी चीजों को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। अगला जो टर्म है हमारा वो है, अब जो एसटीएल फॉर्म हमारी बन गई उसको हम क्या करेंगे, जो हमारी मशीन है उसमें हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। हम उस एसटीएल फॉर्म को मशीन में क्या कर देंगे, ट्रांसमिट कर देंगे। अच्छा, मशीन में हमने जब ट्रांसफर तो कर दिया, ठीक है, अब उसमें हो ये सकता है कि हमने जो ट्रांसफर किया, अब जो मशीन है हमारी वो उसको डायरेक्ट प्रिंट भी कर दे। ऐसा भी हो सकता है कि हम वो मशीन को डायरेक्ट, जो भी हमारा प्रोडक्ट है एसटीएल फॉर्म में आया, वो मशीन डायरेक्ट प्रिंट करे। बट कभी कभी थोड़ी सी पॉसिबिलिटी ऐसी भी हो सकती है कि कुछ ना कुछ मैनिपुलेशंस रिक्वायर्ड हो, क्योंकि मशीन हमारा, हमने मशीन को सेटअप कर रखा है, मशीन को हमने सेटअप तो कर रखा है, लेकिन हो सकता है हमने जो भी उसमें मॉडल दिया उसमें कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत मिसमैच हो रहा हो, तो उसके लिए होता क्या है, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशंस की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारी जो चीजें हैं क्या होगा, मशीन में खुद होंगी, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग की मशीन है वो खुद करेगी, जो भी हमने सॉफ्टवेयर दिया वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट करेगी। देखो, जो पहला और दूसरा जो हमारा स्टेप है वो एक्चुअली में सेमी ऑटोमेटेड है, उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन भी इन्वॉल्व है, क्योंकि जब हम कैड मॉडल बनाएंगे तो अब ह्यूमन का इंटरेक्शन होगा, एसटीएल फॉर्म अगर कन्वर्ट कर रहा है तब भी उसमें ह्यूमन का इंटरेक्शन है, बट तीसरा चौथा और लास्ट तक के जितने भी वो हैं उनमें ह्यूमन का इंटरेक्शन नहीं है, वो फुल्ली ऑटोमेटेड होते हैं। चौथा है मशीन सेटअप। मशीन सेटअप का मतलब यही है कि कुछ जैसे हर मशीन की अपनी अपनी क्षमता है, कोई मशीन प्लास्टिक का प्रोडक्ट बना सकती है, कोई मशीन को सेटअप तैयार करना पड़ेगा। अच्छा, मशीन सेट होगी, हमने वो पहले डिटेक्ट करेगी तुम्हारा मेटल किसका है, तुमने प्लास्टिक दे रहे हो या फिर तुम क्या दे रहे हो, मटेरियल दे रहे हो, कोई भी मतलब मेटल दे रहे हो, नॉन मेटल दे रहे हो, प्लास्टिक दे रहे हो, तो उसके हिसाब से क्या होगा, सेटअप जनरेट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो बनाना चालू करेगा, फिफ्थ नंबर पे क्या करेगा, बिल्ड करेगा, बनाना चालू कर देगा, लेयर बाय लेयर डिपॉजिट करेगा मटेरियल को और बनाना चालू करेगा। उसके बाद क्या है, पार्ट को रिमूवल एंड क्लीनअप। पार्ट रिमूवल और क्लीनअप का क्या मतलब है, हमारा जब प्रोडक्ट बन गया हमने वहां से क्या करेंगे, मशीन से अपना प्रोडक्ट निकाल लेंगे और उसको क्लीन करेंगे। अच्छा, सेवन स्टेप है हमारा पोस्ट प्रोसेसिंग ऑफ पार्ट। अब पोस्ट प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, जब एक बार हमारा पार्ट बन गया उसके बाद हो सकता है उसमें छोटे मोटे कोई भी प्रोसेस रिक्वायर्ड हो, मतलब हमको फिनिश्ड प्रोडक्ट पाने के लिए हमको कुछ प्रोसेस रिक्वायर्ड हो। जैसे अगर हम सपोज करें यहाँ पे हमने इस तरह से एक प्रोडक्ट बनाया और वो लेयर फॉर्म में बनाया, अब लेयर फॉर्म में हमने मटेरियल मतलब प्रोडक्ट बनाया, अब अगर हो सकता है कि हमने लेयर का थिकनेस थोड़ा ज्यादा रख दिया हो तो हमारा ये लेयर अलग से दिखेगा, हम मतलब फील कर पाएंगे कि हमारा सरफेस पे क्या है, लेयर से बना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें इसको फिनिशिंग देना पड़ेगा, इसकी ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी, और भी प्रोसेसेस हैं जो इसको फिनिशिंग दे सकते हैं, तो उसके लिए हमको कुछ प्रोसेस पोस्ट प्रोसेस भी रिक्वायर्ड होते हैं पार्ट में। जब ये हो जाएगा उसके बाद हम क्या कर सकेंगे, इस प्रोडक्ट को यूज कर सकेंगे। तो ये सारी जो चीजें अभी मैंने सेवन स्टेप बताए हैं वो यहाँ पे हमने यहाँ पे दे रखे हैं, मैं ये पीपीटी शेयर कर दूंगा जिसको आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। आगे जाएंगे तो एप्लीकेशंस की बात करेंगे, तो एप्लीकेशंस की अगर हम बात करेंगे तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं हमने एक पैर बना रखा है, यहाँ पे ह्यूमन का बोन बना रखी है। ठीक है, ये जो भी बना है ये हमारा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से ही बना है। और भी अगर चीजें देख सकते हैं, यहाँ पे हमने दिखाया है ह्यूमन हार्ट बनाया गया था, ये फर्स्ट ह्यूमन हार्ट का मॉडल है जो कि बनाया गया। अच्छा, ये हमारे जो हमारा ह्यूमन है उस साइज का नहीं था, एक छोटे साइज का बना के देखा गया था, तो ये फर्स्ट ह्यूमन हार्ट जो कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से बनाया गया था। अच्छा, जो ह्यूमन के ऑर्गन्स बनाए जाते हैं उसके लिए हमको जो मटेरियल चाहिए होता है उसको हम लोग बायो प्रिंटिंग इंक बोलते हैं, जो कि नेचुरल भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी हो सकती है। आर्टिफिशियल में अगर हम बात करेंगे तो पॉलीमर प्लास्टिक्स हो सकती है, और अगर हम नेचुरल की बात करेंगे तो लैक्टिक एसिड जो प्रोटीन्स रहती हैं हमारी वो सारी चीजें हो सकती हैं। अब उन सारी चीजों को मिला के एक हम बायो प्रिंटिंग इंक बनाते हैं, उसकी हेल्प से क्या करते हैं ह्यूमन कि हम लोग ह्यूमन ऑर्गन्स बना रहे हैं, हम एक हार्ट बना रहे हैं। ठीक है, अब इस हार्ट की जो कीमत रहेगी, जो कॉस्ट रहेगी वो बहुत ज्यादा रहेगी। अगर हम एक नॉर्मल किसी जैसे कोई डोनेट कर देगा अगर वहां से लेंगे तो वो हमारा क्या रहेगा, सस्ता रहेगा, बट ये हार्ट हमारा क्या रहेगा, महंगा, बहुत बहुत महंगा रहेगा। बट ये एक ऐसी चीज है जो ह्यूमन की लाइफ से सीधे रिलेट कर रही है, जब जरूरत पड़ती है इंसान को तो क्या करेगा, किसी भी कीमत को देकर वो इसको खरीद सकता है।
तो अगर हमको वहां पे डोनर अवेलेबल नहीं है या मतलब हमारे पास और जो भी मतलब प्रोसेसेस हैं वो नहीं अवेलेबल हैं, हमारे पास हार्ट का मतलब अवेलेबिलिटी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, तब हम इस हार्ट को यूज कर सकते हैं, यूज करके क्या कर सकते हैं, ह्यूमन की लाइफ बचा सकते हैं, तो वहां पर भी हम इसका यूज कर सकते हैं। आगे देखेंगे ये थोड़ा सा जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसका स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें क्या है, हम लोग किसके मदद से बना रहे हैं, हम लोग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की मदद से ही बना रहे हैं। जैसा कि सर ने भी स्टार्टिंग में बोला था, ये जो टेक्नोलॉजी है केवल मैकेनिकल ब्रांच से ही रिलेटेड नहीं है, हम इस टेक्नोलॉजी का जो यूज कर रहे हैं, हम इस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं हर ब्रांच में कर रहे हैं। जैसा कि मेडिकल साइंस के आप लोग एग्जांपल्स यहाँ पे देख रहे हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में भी देख रहे हैं, चिप्स बनाने के लिए छोटे छोटे जो भी हमारे पार्ट्स रहते हैं उनको बनाने के लिए हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का यूज करेंगे। कंप्यूटर में बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स लगते हैं जिनको हम क्या है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के हेल्प से बहुत ही इजिली बना सकते हैं। एग्रीकल्चर में जितनी भी मशीन्स आती हैं उन मशीन्स के जो पार्ट्स हैं उनको भी हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से बना सकते हैं। आगे हम देखेंगे ये एक हाउस है जो कि हमारा इंडिया का पहला मतलब 3D प्रिंटेड हाउस है जो कि IIT मद्रास में बनाया गया था। अच्छा ये जो हाउस है हमारा, इस हाउस में ये जो एरिया है इसका वो 600 स्क्वायर फीट का एरिया है और ये फुली 3D प्रिंटेड हाउस है, 3D प्रिंटिंग के हेल्प से ही बनाया गया था। ये 1-story हाउस है और 1 BHK, मतलब एक इसमें बेडरूम है, एक हॉल है, एक किचन है। तो देख हम यहाँ पे देख पा रहे हैं जो हमारी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज कहाँ पे, कंस्ट्रक्शन में भी हो रहा है। तो ये इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस था जो कि IIT मद्रास में बनाया गया है। लास्ट में हम लोगों के पास एक छोटा सा वीडियो है, उस वीडियो से हम लोग देखेंगे कि किस तरह से कैसे कैसे मतलब प्रोडक्ट बहुत ही इजिली बन जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम लोग 3D प्रिंटिंग के हेल्प से केबल हम वो ही बना सकते हैं, मतलब क्या बोलते हैं रिजिड कंपोनेंट बना सकते हैं, हम 3D प्रिंटिंग के हेल्प से फ्लेक्सिबल कंपोनेंट भी बना सकते हैं। तो जैसे वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे इस वीडियो में। उसके बाद जैसे ही ये वीडियो हमारी कंप्लीट होगी उसके बाद मिस्टर विशाल सिंह सर आप लोगों को 3D प्रिंटर के बारे में बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो इस वीडियो में हम देख रहे हैं जो भी चीजें बन रही हैं ये 3D प्रिंटर की हेल्प से ही बन रही हैं। तो ये वीडियो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। साउंड एक्चुअली वीडियो में है नहीं तो हम देख पा रहे हैं, ये अब यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हैं ये हमारा 3D प्रिंटर है। 3D प्रिंटर से आप लोगों को नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे मटेरियल आता है, लेजर की हेल्प से मेल्ट होके मटेरियल आ रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है लेयर बाय लेयर डिपोजिशन हो रहा है। देखना लेयर बाय लेयर मटेरियल का डिपोजिशन हो रहा है जिससे कि हमारे प्रोडक्ट प्रिपेयर हो रहे हैं। आगे देखेंगे अब यहाँ पे ये कि प्रोडक्ट आप देख पा रहे हैं, जैसा कि मैंने बोला था ऐसा ही नहीं कि केवल हम रिजिड प्रोडक्ट बना सकते हैं, हम फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे प्रोडक्ट बनाया हमने, फ्लेक्सिबल है ये, मतलब इसको बनाने के लिए ऐसा नहीं। अब अगर यही सेम प्रोडक्ट हम लोग अगर किसी भी अदर उससे बनाते मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से बनाते ठीक है, तो उसमें हमको ये सारी चीजें अलग अलग बनानी पड़ती, ये वाला पार्ट अलग बनाना पड़ता, वो अलग बनाना पड़ता, उसको असेंबल करना पड़ता, पर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं केवल एक बार में ही पूरा प्रोडक्ट बनके हमारा तैयार हो गया। आगे हम दिखाएंगे आप लोगों को कितने कितने कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट जो हैं यहाँ पे देखेंगे। अगर हम इस प्रोडक्ट को अगर हम इंजेक्शन मोल्डिंग से बनाए, सपोज करो प्लास्टिक का इंजेक्शन मोल्डिंग से बनाए, तो डाई हमको बहुत ही कॉम्प्लेक्स बनानी पड़ेगी, बट यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इजिली बन जा रहा है हमारा प्रोडक्ट। इतना कॉम्प्लेक्स होने के बावजूद भी कम समय में और इजिली हमारा जो प्रोडक्ट है बन गया। तो ये सारी चीजें, तो ये इतना जितना भी है हमारा ये जो रहेगा इतना हमारा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का जो हमारा पार्ट था। उसके आगे जो भी प्रोसेसेस लास्ट में हमारे हुए हैं ये हमने 3D प्रिंटिंग के हेल्प से किए हैं, 3D प्रिंटर की हेल्प से किए हैं। तो ये चीजें जो है कि 3D प्रिंटर कैसे वर्क करता है, 3D प्रिंटर एक्चुअली में है क्या, तो उसके लिए जो है हमारे पास हमारे एक कलीग है मिस्टर विशाल सिंह सर, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो ओवर टू यू मिस्टर विशाल सिंह सर। विशाल सिंह जी आप अनम्यूट कर लीजिए।
विशाल सिंह जी आपको वॉइस आ रही है, आप अनम्यूट करके स्टार्ट करिए। सचिन जी। हाँ सर। विशाल सिंह जी अभी शो नहीं कर रहे हैं, उनका सर नेट का कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं पूछता हूँ सर, यहाँ पे हाँ शो नहीं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना अभी तक बताया गया उसके बारे में अगर आप कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी डाउट। सचिन जी वीडियो ऑफ हो गई आपकी, ऑन कर लीजिए। यस सर ऑन है। ठीक तो स्टूडेंट कोई भी क्वेरी हो चैट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। आई थिंक ज्वाइन हो गए ना सर। हाँ ज्वाइन तो हो गए। विशाल सिंह जी आप अनम्यूट कर लीजिए। ओके ओके सारे सारे क्वेश्चंस को मैं शेयर करूंगा एक बार, अभी बाद में सेशन हो जाने देते हैं फिर करते हैं। ठीक है ठीक है। विशाल सिंह जी आप अनम्यूट कर लीजिए, आपका म्यूट हो जा रहा है बार बार। गुड मॉर्निंग सर। हाँ हाँ बारी आपके थोड़ा सा कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही है, एक बार चेक कर लीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि सचिन सर ने आपको जो है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के बारे में काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, अब उसमें एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को जो फाइनल प्रोडक्ट हम लोग प्रोड्यूस करते हैं वो 3D प्रिंटर मशीन के थ्रू करते हैं, उसके बारे में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। जो आज टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो 3D प्रिंटर क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या रही है ये ब्रीफ में ही बताया जाएगा, उसका वर्किंग क्या है, मेथड्स क्या है, जो मेन 3 मेथड्स हैं वो कौन कौन है और उसके एप्लीकेशन, और इंडियन कंपनी जो 3D प्रिंटर पे वर्क कर रहा है। सबसे पहले हम लोग जो है देखते हैं 3D प्रिंटर का जो कॉन्सेप्ट दिया गया वो जो है 1980 में दिया गया, डॉक्टर हिडियो कोडामा उन्होंने कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम दिया और उन्होंने बताया किसी भी अगर ऑब्जेक्ट को अगर हम लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन करते हैं तो जो अभी तक हमारे पास कास्टिंग के मेथड से या वेल्डिंग के मेथड से प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे उससे जो डिफेक्ट हो रहे थे जैसे पोरोसिटी, क्रैक्स, रेसिडुअल स्ट्रेस, इन सब को जो है हम रिमूव कर सकते हैं। इसलिए अगर हम इसको लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन किसी किया जा सके, फर्स्ट टाइम इन्होंने रीजनरेटिव मैन्युफैक्चरिंग वर्ड दिया जिसे हम रैपिड मैन्युफैक्चरिंग या जो है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के नाम से जानते हैं 1980 में। इसके बाद इन्होंने जो है 1981 में अपने इस आइडिया को पेटेंट करा लिया। अब हम इसकी हिस्ट्री में चल रहे हैं 3D प्रिंटर के, तो इन्होंने जो है 1981 में डॉक्टर हिडियो कोडामा ने अपने उसको पेटेंट कराया। आफ्टर दैट जो है दूसरा प्रिंटर जो जनरेट किया गया स्टीरियोलिथोग्राफी SLA वो 1984 में किया गया। उसका कॉन्सेप्ट ये था कि इसमें जो है लिक्विड फॉर्म में कोई फ्यूल रखें और उस फ्यूल को हम
यूज करें। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, एक सॉलिड मटेरियल को जो है मशीनिंग कर रहे थे, या फिर अगर लिक्विड फॉर्म में फ्यूल ले रहे थे तो कास्टिंग करना पड़ रहा था, लेकिन उससे बहुत सारे डिफेक्ट्स आ रहे थे। उन डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए ये जो है बहुत अच्छा मेथड था स्टीरियोलिथोग्राफी। इसको हम आगे चल के अभी एक्सप्लेन करेंगे जब मेथड डिस्कस होगा। इसके बाद 1988 में जो है स्कॉट क्रम्प ने जो है EFDM जो अपने पास अभी मशीन अवेलेबल है, फ्यूल डिपोजिशन मॉडलिंग करके जो इन्होंने टेक्नोलॉजी दिया, इसको जो है हिस्ट्री को तीन मेन पार्ट में हम लोग जो है डिवाइड करते हैं। अनएक्सपेक्टेड जर्निंग, इसमें हम लोग जो है न्यू इन्वेंशन हुए हैं, जैसे स्टीरियोलिथोग्राफी की बात हुई या फिर जो है फ्यूल डिपोजिशन मॉडलिंग की, इसमें मेथड्स जनरेट हुए। जो दूसरा हिस्ट्री सेक्शन डिवाइड किया गया वो जो है कंटिन्यूअस ग्रोथ, मतलब कि उसमें डेवलपमेंट हुए हैं जैसे 1990 से 2000 के बीच में। इसमें जो मेन थर्ड टेक्नोलॉजी आया वो सिलेक्टिव लेजर टेक्नोलॉजी जो है, इसमें क्या लेजर का यूज करके हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे। अभी तक हम फ्यूल को दो फॉर्म में ले रहे थे 1990 तक, एक तो सॉलिड फॉर्म में, दूसरा लिक्विड फॉर्म में। थर्ड जो फ्यूल ऑप्शन अपने पास था उसको हम जो है पाउडर फॉर्म में यूज कर ले। पाउडर फॉर्म में अगर हम यूज कर रहे हैं तो क्या बेनिफिट है ये अभी हम बताएंगे, क्योंकि इसका जो माइक्रोन लेवल है वो साइज थिकनेस के लेयर पे डिपेंड करता है। इसके बाद जो थर्ड हिस्ट्री हुई वो डेमोन्स्ट्रेशन की, डेमोन्स्ट्रेशन मतलब कि हम लोग जो है उसका यूज करने लगे, जो 2000 से 2017 या टिल नाउ तक अभी हम लोग यूज कर रहे हैं। 2000 में जो है सबसे पहले इंडस्ट्री में 3D प्रिंटर तीन टाइप का यूज किया गया, ठीक है। 2002 में उसका रीजनरेटिव मशीनिंग में ह्यूमन काइंड्स के लिए कॉन्सेप्ट आया कि ह्यूमन काइंड्स में हम यूज करेंगे, उसके लिए कुछ बायोमेट्रिक मटेरियल का जो है प्रोड्यूस किया गया प्रोडक्ट को। फिर जो है सबसे पहले 2014 में चाइना ने एक हाउस बनाया, वो 3D प्रिंटर की मदद से बनाया। सबसे पहले जो हाउस का कॉन्सेप्ट चाइना ने फाइनल जो प्रोड्यूस किया, उसके बाद सऊदी अरब ने भी किया है, अपने यहाँ भी हुआ है, कई सारे उसके बाद कई जगह पे प्रोडक्शन हुआ है इसका। इसके बाद जो अभी का बात हो रहा है, अभी इसमें जो ग्रोथ है वो कोई नई न्यू कॉन्सेप्ट पे नहीं अभी बताया गया है, अभी तक जो ग्रोथ है इसमें उसी में डेवलपमेंट की बात की गई है। इसके फर्दर जो अभी चल रहा है वो 4D प्रिंटर पे वर्क चल रहा है। 4D प्रिंटर पे वर्क का मतलब है कि इसमें जो मटेरियल होगा वो स्मार्ट मटेरियल्स यूज करेंगे, जैसे कि वेदर हो या टेम्परेचर हो, मतलब सेंसिबल हो, सेंस करके वो अपने फंक्शन को चेंज कर सके। हाँ, ये कंपलसरी है कि वो कुछ रेगुलर प्रोडक्ट या रेगुलर फॉर्म में ही चेंज कर पाएंगे, बट वो अभी स्मार्ट मटेरियल कर पाएंगे। जैसे LG ने एक फोन लॉन्च किया था 2017 में, उसमें क्या था, अभी तक हम लोग जो बैकग्राउंड थे उसके, स्मार्ट मटेरियल का एग्जांपल दे रहा हूँ, जो बैकग्राउंड होते थे मोबाइल्स के या बैग पे, उस पर हम कवर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि स्क्रेच ना हो जाए। तो वो LG का जो फोन था उस पर हम एक बाइक की या किसी की लेकर अगर स्क्रेच कर दें और उस पर जो स्क्रेच पड़ा वो ऑटोमेटिक वो कुछ सेकेंड में कंप्लीट कर लेगा, मतलब अपनी रिपोजिशन गेन कर लेगा, उसमें स्क्रेच नहीं पड़ेगा। तो ये इस टाइप के स्मार्ट मटेरियल होते हैं। तो इन स्मार्ट मटेरियल का यूज करके जो है प्रोडक्ट अगर प्रोड्यूस किया जाए, यानी कि तीन डायमेंशन था तो 3D प्रिंटर, फोर्थ डायमेंशन जो यूज किया गया या टाइम था, वो टाइम के साथ जो चेंज कर सके उसको जो है 4D प्रिंटर के अंडर रखा गया। लेकिन अभी स्मार्ट मटेरियल पे काफी वर्क चल रहे हैं, तो इसलिए अभी इसका प्रोडक्शन नहीं हुआ है, डेमोन्स्ट्रेशन लैब में प्रोडक्ट हुआ है बस। नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करेंगे इसका वर्किंग, 3D प्रिंटर वर्क, जैसे कि सर ने अभी आपको काफी कुछ इसमें डिस्कस भी कर लिया है, लेकिन हम लोग प्रॉपर वे में आते हैं और उसका फॉर्मेट देख लेंगे फिर से। तो 3D प्रिंटर जो वर्क करेगा, और सबसे पहले हमें तीन चीज सोचना, तीन स्टेप में ब्रेक करना है। सबसे पहले हम उसका मॉडल डेवलप करेंगे। मॉडल डेवलप करने के लिए अपने पास कई सारे ऑप्शन है, जैसे कि CAD सॉफ्टवेयर हुए या सॉलिड वर्क हुए, या हम 3D स्कैनर का यूज कर सकते हैं।
इन सब मेथड से हमने मॉडल को जनरेट कर लिया। जब हमें डिजिटल मॉडल जनरेट मिल जाएगा उसको हम एक किसी डेटा के थ्रू या डेटा केबल या कार्ड रीडर किसी के थ्रू हम जो है प्रिंटर जो मशीन है उसको इनपुट दे देंगे। लेकिन उसके पहले जो प्रिंटर जो जानता है वो ये जानता है STL फॉर्मेट को, स्टैंडर्ड ट्रायंगल लैंग्वेज को। वो क्या कर, ये क्या है कि इसमें हर जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी ऑब्जेक्ट है, उसको हम लेयर बाय लेयर उस सॉफ्टवेयर के थ्रू स्लाइस कर देते हैं, यानी कि काट देते हैं। स्लाइस मतलब काट देना। अगर लेयर बाय लेयर उसको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो उतने ही लेयर का जो थिकनेस पहले से हम डिसाइड करेंगे सॉफ्टवेयर में, यानी कि 0.1 mm या 0.2 mm जो भी डिसाइड करेंगे, उतने ही mm के थिकनेस का वो लेयर मशीन डेवलप करेगा। तो उसके लिए हमारे पास जो है कई सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो प्रिंटर के साथ ऑलरेडी आते हैं और उनका उन्हीं के में सॉफ्टवेयर चलेगा, जैसे क्लियरिटी कंपनी है, कंपनी के हिसाब से रहते हैं। तो इसमें स्लाइसिंग वाला काम होगा। स्लाइस करने के बाद हम उसको कार्ड रीडर के थ्रू या डेटा केबल के थ्रू किसी ट्रांसफर मीडियम के थ्रू हम जो है उस 3D प्रिंटर मशीन को डेटा प्रोवाइड कर देंगे। डेटा प्रोवाइड करने के बाद जो उसके कमांड है हम कमांड देंगे। कमांड देने के बाद में वो अपना वर्क करेगा। जब हम स्लाइसिंग कर रहे होंगे, यानी कि इस सॉफ्टवेयर पे जब हम स्लाइसिंग कर रहे होंगे, STL को जी कोड में कन्वर्ट कर रहे होंगे, उसी टाइम हम ये देख सकेंगे कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बेड जो जहाँ पे बनेगा उस पे किस पोजीशन पे बनेगा। वहां पे हम पहले से ही रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि इस पोजीशन पे ये प्रोडक्ट बनना है अगर हम चाहते हैं तो। दूसरा, हम ये वहीं पे पता कर लेंगे कि अगर वो FDM फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग मेथड पे टेक्नोलॉजी से प्रिंट कर रहे हैं तो हम पहले से पता कर लेंगे उसमें कितना मीटर जो है वायर या सॉलिड फ्यूल यूज होने वाला है या उसका कितना वेट है, ये पहले से हम डिसाइड कर लेंगे उसका कितना टाइम कंज्यूम करेगा इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में। जैसे कि इसमें एक फॉर्मेट आपको दिखाया गया है, यहाँ पे सीधा कंप्यूटर एडेड डिजाइन के लिए हमने डिजाइन किया, कैट फाइल फॉर्मेट लिया। अगर हम STL को जी कोड में ऐसा कोई है अपने पास तो चेंज कर रहा है तो उसको डायरेक्ट स्लाइस और जी कोड में चेंज करके हम 3D प्रिंटर को मशीन को प्रोवाइड कर देंगे। प्रोवाइड करने के बाद वो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, अब हम इसके मेथड्स को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। ये जो 3D प्रिंटर है, जो मेन 3D प्रिंटर के मेथड्स हैं वो तीन है। इसके बाद इसी को मॉडिफाई करके, इसके थिकनेस लेवल को चेंज करके जो है अलग अलग है और भी है, उसका भी नाम बता दिया जाएगा। सबसे पहले है जो सिलेक्टिव लेजर सेनेटरी, ये जो थर्ड जो प्रिंटर जनरेट हुआ था सिलेक्टिव लेजर सेनेटरिंग, इसमें क्या है, इसमें क्या है कि यहाँ पे फैब्रिकेशन पिस्टन लगा हुआ है और इधर हम पाउडर फॉर्म में फ्यूल्स को फिल कर रखे हैं। यहाँ पे प्रिंटर है, प्रिंटर में ये लेजर प्रोड्यूस करने के लिए जो है डिवाइसेस लगे हैं, CO2 और लेजर मोस्टली यूज किया जाता है। स्कैनर सिस्टम है, ये यहाँ पे स्कैन करेगा और ये कंफर्म करेगा कि हमें एक्चुअल में जो इसका लेजर बीम है वो कहाँ पे डालना है। इसमें क्या होगा, जब एक लेयर फॉर्मेशन हो जाएगा, जब एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा उसके बाद ये रोलर जो है यहाँ पे रोल करके आएगा और यहाँ पे एक नया लेयर उसका पाउडर फॉर्म में चढ़ा देगा। जब इसको इस पे आ जाएगा वन लेयर तो अगेन ये लेजर जो कमांड दे रखा होगा, जो ऑब्जेक्ट की साइज होगी, उस फॉर्म में इसको सॉलिडिफाई करेगा। अगेन ऐसे कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहेगा और इस टाइप के जो टेक्नोलॉजी या मेथड्स को हम लोग सिलेक्टिव लेजर सेनेटरी मेथड या टेक्नोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट जो अपने इसका जो थिकनेस लेवल है, जो इसका लेयर का थिकनेस है वो रिस्ट्रिक्टेड है 120 to 150 माइक्रोमीटर, मतलब कि इसी रेंज के पाउडर, इसी रेंज के लेयर्स को हम जनरेट कर पाएंगे। अब ये तो कन्फर्म सी बात है कि अगर 120 to 150 माइक्रोमीटर अगर हमें लेयर बनाना है
तो जो पाउडर होगा वो ऑलवेज 120 mm माइक्रोमीटर से कम साइज का होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है फ्यूल डिपोजिशन मॉडलिंग है। फ्यूल डिपोजिशन मॉडलिंग, इसमें जो फ्यूल यूज करते हैं वो सॉलिड फॉर्म में यूज करते हैं। इसका जो थिकनेस लेयर का जो साइज है मिनिमम है वो 50 है, मैक्सिमम 400 माइक्रोमीटर तक हम कर सकते हैं। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कितना स्ट्रेंथ चाहिए और कितनी सरफेस फिनिश चाहिए, ठीक है। ये अपने पास मॉडल है, मैं अभी आपको ये मॉडल दिखाऊंगा भी। हाँ विशाल सिंह जी, आप अनम्यूट कर लीजिए, वॉइस नहीं आ रही आपकी। जैसा कि अभी जैसा कि हम लोग जो फ्यूल डिपोजिशन मॉडलिंग की बात कर रहे थे, जो डिपोजिशन मॉडलिंग की बात कर रहे थे, अभी हम इसको पीपीटी खत्म होने के बाद में आपको डेमोंस्ट्रेशन देंगे। तो इसमें जो इसका फंक्शन है, इधर से ये यहाँ पे जो है स्ट्यूजन लगा होता है, यहाँ से फ्यूल आता है और यहाँ पे नोजल है। इस नोजल के थ्रू जो कमांड हम एसटीएल फाइल इसको दे रखे होंगे, यहाँ जो है यूएसबी केबल या स्लॉट के थ्रू, वो यहाँ पे लेयर बाय लेयर इसको प्रिंट करेगा। साल सर इसको फुल स्क्रीन में कर लीजिए। इसकी जो थिकनेस लेयर की साइज है वो 400 माइक्रोमीटर है। नेक्स्ट जो अपने पास है, जो है वो है स्टीरियोलिथोग्राफी। इसका जो कॉन्सेप्ट है स्टीरियोलिथोग्राफी का, इसमें क्या किया गया, जो लिक्विड फॉर्म में जो अपने पास जो फ्यूल है वो लिक्विड फॉर्म में होगा और पहले से एक कंटेनर में फिल कर दिया जाएगा, पहले से एक कंटेनर में फिल कर दिया जाएगा। उसके बाद में ये इलेवेटर लगा होता है और यहाँ पे ऑटोमेटिक 3D प्रिंटर का बैक फ्रंट है ये, उसके बैक में उसका मदरबोर्ड लगा होगा और उसका कमांड दिया जाएगा और सारी चीजें बैक में है। तो यहाँ पे इलेवेटर क्या होगा, जो कमांड मिलेगा उसी हिसाब से ये अप डाउन करेगा। ये सबसे लेयर जो लिक्विड का लेयर्स हैं, ये सबसे अपर लेयर पे होगा। जो थिकनेस हम पहले से डिसाइड करेंगे उस थिकनेस को पहले से वो कंसीडर कर रखा होगा। जब यहाँ पे एक लेयर डिसाइड होगा, जब एक लेयर बन जाएगा उसके बाद ये जो एलिवेटर है वो थोड़ा डाउन होगा, जितना नेक्स्ट थिकनेस लेयर बनना होगा उतने mm का जो है उसमें डाउन होगा। डाउन होने के बाद में ऐसे कंटिन्यूस इसमें लेजर सोर्स प्रोवाइड करते रहेंगे और वो सॉलिडिफाई लिक्विड जो है वो सॉलिडिफाई होता रहेगा। इसमें अल्ट्रावायलेट रे पड़ेगा और ये ऐसे मटेरियल हम यूज करते हैं कि अल्ट्रावायलेट रे जैसे इस पे पड़े वो सॉलिडिफाई हो जाए। इस टाइप के जो कॉन्सेप्ट जनरेट किया गया या यूज किया गया, इसे बोलते हैं स्टीरियो लिथोग्राफी मैथड या टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशन के। इसके एप्लीकेशन आपके कुछ एप्लीकेशन पहले से डिस्कस किया जा चुका है सचिन सर के थ्रू। इसमें हम ऐसी कोई भी फील्ड नहीं है लगभग कि जिसमें हम 3D प्रिंटर का यूज नहीं कर सकते। जैसे अभी हम देख लें मेडिकल, फूड, गेम जो है, पॉप कल्चर, डिफेंस, फैशन, रिटेलर, इन सारे फील्ड में हम जो है
इन सबका 3D प्रिंटर का यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि किस लेवल की एक्यूरेसी या किस लेवल की सरफेस फिनिश या स्ट्रेंथ चाहिए, उस टाइप के प्रिंटर्स को हम यूज करेंगे, प्रिंटिंग मशीन को हम यूज करेंगे जो 3D प्रिंटर के नाम से है। सब जैसे मेडिकल में देख लें, अभी तक अपने पास जो मेडिकल में वो जो मेडिकल में यूज करते हैं, जैसे बोन्स टूट जाते हैं, अभी हम लोग वैसे नॉर्मल वो यूज करते हैं, उसमें कभी कभी कोई डॉक्टर क्या करता है, जैसे कि बोलते हैं कच्चा प्लास्टर, तो इनका यूज करता है तो कोई कभी वो क्या हो जाता है कि वो बोन्स सही से जुड़ नहीं पाते, या फिर वहाँ पे स्वेलिंग या अदर इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो उसमें ऐसा इसलिए होता है कि ईयर का पासिस वगैरह भी प्रॉब्लम होते हैं, तो इन अगर हम 3D प्रिंटर से जो है डिमांड जैसा भी होगा जिस पर्संस का, उस हिसाब से अगर हम प्रिंट करके उसको जो है प्लास्टर चढ़ा दें तो ये सब प्रॉब्लम नहीं हो रही है। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो फूड में क्या है, जैसे कि अब हम लोग अभी अपने यहाँ तो नहीं है लेकिन अमेरिका में कई सारी कंपनियां स्टार्ट की हैं, अगर उनके रेस्टोरेंट में जाओगे तो अगर तुम अपने डिमांड के हिसाब से जो इस स्ट्रक्चर में चॉकलेट या अदर फूड्स चाहिए उस फॉर्म में आप प्रिंट करा करके जैसे पार्टी करते हैं या इन सब या नॉर्मल यूज के लिए ही करवा सकते हैं, वो प्रिंट करके आपको डाइनिंग टेबल पे प्रोवाइड करा देंगे जो आपकी जिस शेप में रिक्वायरमेंट होगी, या जैसे इसमें दिखाया गया फेस अगर किसी भी शेप में चाहिए आपको उस शेप में प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है गेम और एंटरटेनमेंट, 2012 में एक मूवी आई थी अमेरिका में, कार्टून मूवी थी ये, ब्रांड ऑफ मिस्फिट्स, ये जो है काफी फेमस भी हुई थी। इसमें जितने भी कार्टून यूज किए गए थे वो सारे के सारे 3D प्रिंटर से प्रिंट करके यूज किए गए थे। अगर आप इस कार्टून को देखेंगे तो बहुत ही फनी और बहुत ही रियलिस्टिक टाइप में लगेगा आपको जो है। तो ये सब पहली टाइम जो है फर्स्ट टाइम इंटरटेनमेंट में यूज किया गया था, यानी कि जो अपने इंटरटेनमेंट साधन है उसमें भी हम लोग इसको भरपूर 3D प्रिंटर का यूज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आए, जैसे कि हम लोग जानते हैं जो मूवियां बनती हैं उसमें जो व्हीकल्स होते हैं, गाड़ियां दिखाई जाती हैं, वो काफी डैमेज की जाती हैं, तो इनमें जो है काफी लॉसेस होता है, इन लॉसेस को हम 3D प्रिंटर के यूज करके डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट टाइम जो स्काई फिल्म मेकर जो थे वो कंपनी है, उन्होंने 3D प्रिंटर यूज करके एक व्हीकल्स डिजाइन कर लिया कंपनी के मर्ज करके। व्हीकल डिजाइन करने के बाद में इन्होंने इस अपना जो है फिनिशिंग जिस शेप में देना है उस शेप में फिनिशिंग कर दे सकते हैं, कलर कर सकते हैं, अगर आपको BMW तरह डिजाइन करना है तो डिजाइन देके वो कलर किया जा सकता है, या फिर 3D प्रिंटर में भी मल्टी कलर्स होते हैं, आप जिस कलर में करना चाहते हैं वो पहले से डिसाइड हो जाएगा और उस कलर में वो अपना पार्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसको इन्होंने यूज करके काफी कम कास्ट में प्रोडक्शन किया, और कंपेयर टू जो रियल बॉडी हम व्हीकल्स के डैमेज करते थे और इससे कंपेयर करें तो काफी कम कास्ट आया, जो कि काफी जो है इकोनॉमिकल हुआ। नेक्स्ट जो है डिफेंस में अगर देखें या स्पेस एजेंसी में देखें, डिफेंस में बहुत सारे फील्ड हैं यूज करते हैं स्पेस एजेंसी, जैसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बताया था, ये बहुत 2012 या 2010 का डेटा है, इन्होंने जो है एक मून पे जैसे प्लेटफॉर्म होता है उस तरह डिजाइन करके इन्होंने प्रिंट किया, जिससे उस इन्वायरमेंट में उनको जो है रिसर्च करने में आसानी। तो ये स्पेस में भी हम इसको खूब यूज कर रहे हैं। अब फैशन की बात करें तो जो है आपको यहाँ पे एक फैशन डिजाइनर थी इरियस वैन हरपन, इन्होंने एक सूज प्रिंट करवाया जो रूट ट्री के रूट की तरह डिजाइन था, और ये फैशन शो में पहन के गई और काफी फेमस भी हुई क्योंकि ये बहुत लुकिंग था, ठीक है, अट्रैक्टिव था। तो हर फील्ड में, यानी कि ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जिसमें हम 3D प्रिंटर का यूज ना कर रहे हो। नेक्स्ट जो बात करते हैं 3D प्रिंटर में हम किस टाइप के मटेरियल्स को यूज कर सकते हैं, क्योंकि मटेरियल के अभी भी काफी रिस्ट्रिक्शंस हैं, बट काफी हम लोग पहले कंपेयर में एडवांस भी आ चुके हैं।
तो हम लोग जो है टाइटेनियम भी यूज कर रहे हैं क्योंकि टाइटेनियम वेल्डिंग वगैरह करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट भी काफी ज्यादा होता है। सिरेमिक्स, नायलॉन, एबीएस, पीएलए, एबीएस और पीएलए ये दोनों जो मटेरियल है फ्यूल डिपोजिशन मॉडलिंग में यूज होते हैं या सॉलिड फॉर्म में। ये अपने पास है, आपको डेमोन्स्ट्रेशन में इनका स्ट्रक्चर होगा उसमें दिखाया जाएगा। गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, गोल्ड और सिल्वर काफी रिफ्लेक्टिव मटेरियल होते हैं इसलिए हम इसमें सारे टाइप के मटेरियल्स इसलिए हम इसको एफडीएम फ्यू डिपोजिशन मॉडलिंग से नहीं कर सकते क्योंकि फ्यू डिपोजिशन मॉडलिंग की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लिमिटेड है और गोल्ड की जो मेल्टिंग पॉइंट है लगभग 1063 डिग्री सेल्सियस है मेल्टिंग पॉइंट। सिल्वर की भी जो है 900 कुछ डिग्री सेल्सियस है, यानी कि इन सब के लिए जो मेल्टिंग पॉइंट अपना डिसाइड है उसका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा है। तो हम इसको पाउडर फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में यानी कि स्टीरियोलिथोग्राफी या सिलेक्टिव लेजर टेक्नोलॉजी के मेथड से ही प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग डिस्कस करेंगे जो इंडिया में कंपनी है जो 3D प्रिंटर पे वर्क कर रही है, जो 3D प्रिंटर बना रही है और सेल कर रही है, वो ब्रह्मा 3 है, जे ग्रुप रोबोटिक्स है, थिंकडिंग है, डिवाइन बाय जीरो है, ये सारी कंपनियां हैं ये जो 3D प्रिंटर इंडिया में की हैं वो बना रही हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या ये रियल में 3D प्रिंटर इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, तो हाँ, जैसे कि हम लोग कुछ ये कंपनी हम डिस्क्राइब की हैं जैसे वॉल्वो हुआ, ये काफी मतलब फेमस ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, वॉल्वो, बीएमडब्ल्यू हुआ, जनरल इलेक्ट्रिक हुआ। जनरल इलेक्ट्रिक क्या करता है, नोजल स्प्रे करता है, नोजल बनाता है, नोजल इन्होंने नोजल प्रिंट करके सेलिंग भी की है, काफी अच्छा जो है पहले से इनका प्रॉफिट भी कंपेयर टू हाई हुआ। बोइंग हुआ, नाइक जो है वो शूज बनाता है, नाइक ने जो है शूज बनाया था ये तो फुटबॉलर के लिए, जो फुटबॉल खेलते हैं उनके लिए शूज डिजाइन किया था वो 3D प्रिंटर यूज करके। अब इनका जो ये शूज मिल रहा है लगभग जो है 95,000 या 1,00,000 1.5 लाख के रेंज आसपास इनके जो है फुटबॉल के लिए जो नाइक ने 3D प्रिंटर यूज करके शूज बनाया है वो मिल रहा है। इसको काफी कंफर्टेबल होते हैं फुटबॉलर, और जो डिजाइन हम मैनुअली या CNC मशीन से नहीं दे सकते वो हम डिजाइन आसानी से इसके थ्रू दिया जा सकता है 3D प्रिंटर। अमेरिका इन्होंने क्या किया, ये कंपनी जो अमेरिका प्लेयर है इन्होंने ज्वेलरी बना रहे हैं डिमांड के अकॉर्डिंग, जो आपको डिजाइन चाहिए उस डिजाइन को आप बता दीजिए या फिर डिजिटल फॉर्म में आप जो है फाइल दे दीजिए, उनको वो प्रिंट करके दे देंगे। ऐसे ये सारी कंपनियां हैं जो वर्ल्ड में काफी जो है इंडस्ट्री में यूज कर रही हैं 3D प्रिंटर को, और फ्यूचर में इसका मॉडिफिकेशन जितना होता जाएगा उतना ही ज्यादा यूज होता है। अभी हम डोमेस्टिक लेवल पे भी इसको यूज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग घर पे हैं और कभी हमें कप की जरूरत, कप टूट गया, कप की जरूरत पड़ी तो हम आसानी से कप प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अभी इसको काफी मॉडिफिकेशन की जरूरत होगी और इसका कास्ट 3D प्रिंटर का काफी ज्यादा है कि जिससे कि हम डोमेस्टिक में यूज नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। जैसे कि हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये 3D प्रिंटर के थ्रू हम लोग ने एक इम्पेलर बनाया है, जो अपने पास FDM डिपोजिशन मॉडलिंग है वो ये बनाया है। इसका जो है सरफेस फिनिश काफी अच्छा है। अब इसको अगर हम मशीनिंग या शेपिंग या फिर जो है वेल्डिंग के यूज करके अगर हम इस प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं, तो मान लीजिए मशीनिंग अगर करते तो इसमें जितने भी मटेरियल जिस प्रोफाइल में कटे हुए हैं CNC मशीन के थ्रू करना पड़ता और काफी ज्यादा मटेरियल का वेस्टेज होता। अगर ये वेस्टेज होता तो इसमें इस पर यूनिट का कास्ट कंपेयर टू काफी ज्यादा हो जाता, तो इसमें हमें काफी ज्यादा बेनिफिशियल मिला कि हम जो है इसको सीधा मेल्टिंग करके जो डिजाइन चाहिए जिस प्रोफाइल में चाहिए वो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेम अगर हम ज्वाइनिंग मटेरियल ज्वाइनिंग के थ्रू करते तो हमें इसमें डैमेज यानी स्ट्रेंथ की काफी प्रोबेबिलिटी होती। ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट किए हुए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो है इसको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया जाएगा। आपको ऑडियो आपका ऑन है, म्यूट अनम्यूट करके बात करने को बोलेंगे, वीडियो को कर सकते हैं और भी।
थैंक यू रियान सर. रियान सर पंकज को सर अनम्यूट कर दीजिए, डेमोंस्ट्रेशन देना है थोड़ा सा. ठीक है, अगर आप सबका कोई क्वेश्चन है 3D प्रिंटर से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं. विशाल, वी हैव अ मीटिंग एट आफ्टर 2-3 मिनट्स, तो कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप बता दें. आपका प्रेजेंटेशन तो पूरा हो गया ना विशाल? जी सर. चलो थैंक्स, आपने और सचिन ने दोनों ने काफी अच्छा प्रेजेंटेशन दिया. देयर आर फ्यू क्वेश्चंस. एक क्वेश्चन था कि 3D प्रिंटिंग इज बेटर देन CNC मशीन, आपके मशीन और इसमें क्या कैसे बेटर है 3D प्रिंटिंग? CNC मशीन और 3D प्रिंटर में बेटर इसलिए है कि हम CNC मशीन में भी प्रोग्रामिंग करते हैं और वो कट करता है, यानी कि उसको जो मटेरियल चाहिए सर वो सॉलिड फॉर्म में, कोई प्लेट अगर मान लीजिए इस प्लेट में हमें डिजाइन करना है तो ये सीधा रिमूवल प्रोसेस हो गया, यानी कि बेस्टेज ज्यादा होगा, जो पार्ट कट करके निकाल दिया गया वो बेस्टेज फॉर्म में होगा या हम अगर कुछ ना कुछ चिप फॉर्म में प्रोड्यूस होगा, वो मटेरियल हम दोबारा यूज नहीं कर पा रहे हैं. अगर यूज करना है तो उसको हम जो है मेल्टिंग करेंगे या कास्टिंग में मेल्ट करके या फिर नया उसका शेप डिजाइन करेंगे तब यूज कर पाएंगे. जबकि इसमें 3D प्रिंटर में हम लोग सीधा उतना ही मटेरियल नोजल से आता है जितने मटेरियल की उस लेयर को जरूरत है, यानी कि इसमें जो बेस्टेज हैं कंपेयर टू कहीं कहीं ज्यादा कम है CNC और उसका मशीनिंग रिमूवल प्रोसेस. एक क्वेश्चन ये नीलेश ने पूछा था यहाँ पे कि मटेरियल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग अलाउ टू प्रोड्यूस डायरेक्शनल माइक्रोस्ट्रक्चरल ग्रोथ. तो देखो हम जो चीज अगर 3D प्रिंटिंग से बना रहे हैं तो उसमें होता क्या है, हम लोग चीजें लेयर बाय लेयर बनाते हैं, तो जो भी हमारे मटेरियल की जो स्ट्रक्चर की जो ग्रोथ होती है वो लेयर की ही डायरेक्शन में होती है. मतलब स्ट्रेंथ जो हमको प्रोवाइड होगी वो हमारी क्या है, जिस डायरेक्शन में लेयर है उसी डायरेक्शन में हमारी स्ट्रेंथ है. तो उसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, अगर हमको डायरेक्शनल माइक्रो स्ट्रक्चरल ग्रोथ चाहिए तो बाद में हमको पोस्ट प्रोसेस भी, हमने जो बताया था स्टार्टिंग में कि हमको पोस्ट प्रोसेस करने पड़ते हैं, तो हमको उस मटेरियल के लिए अलग बहुत सारे प्रोसेस हैं जिनसे हम लोग डायरेक्शनल माइक्रो स्ट्रक्चर ग्रोथ कर सकते हैं. जैसे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस भी होते हैं हमारे, तो वहां पर हम लोग अगर हमको डायरेक्शनल माइक्रो स्ट्रक्चरल ग्रोथ चाहिए तो हम बाद में पोस्ट प्रोसेस करके भी बहुत सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं. I think next question is how can be reduced stress generation during metal solidification 3D print. Metal solidification जब हम casting में करते हैं या welding में जब कर रहे होता है तो उसमें काफी ज्यादा stress develop होता है, but की compare to इसमें जो 3D printer use करते हैं खासकर stereolithography तो इसमें stress generate नहीं होता है. जैसे कि उसमें heat इतने ही अमाउंट में चाहिए कि वो जस्ट बहुत ही नैनो सेकंड में वो सॉलिडिफाई हो जा रहे हैं लेयर, तो उसको प्रॉपर टाइम ही इतना नहीं दिया जा रहा है कि उसमें हीट गेन करे और वो स्ट्रेस रेसिडुअल स्ट्रेस डेवलप करे. सेकंड क्वेश्चन था व्हिच मटेरियल यूज्ड इन 3D प्रिंटर. 3D प्रिंटर का मटेरियल जो यूज होते हैं हम आपको भी दिखाए थे, जैसे PLA और ये BS जो मेन मटेरियल हैं वो FDM के लिए होते हैं, फ्यूल डिपोजिशन मॉडलिंग के लिए. अदर जैसे नायलॉन हुआ, मोस्टली नायलॉन 11 और 22 यूज करते हैं, और इसमें सिरेमिक मटेरियल्स हुए, गोल्ड, सिल्वर, स्टेनलेस स्टील, टाइटेनियम, ये सब इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं. जैसे अभी आपको एग्जांपल भी दिया था सचिन सर ने, जो इंडिया में फर्स्ट टाइम हाउस बना है उसमें कंक्रीट भी यूज करते हैं.
ये सारे मटेरियल यूज कर सकते हैं। अतुल शर्मा ने पूछा है कि डिसएडवांटेज ऑफ 3D प्रिंटिंग, तो बेटा डिसएडवांटेज की अगर आप बात करेंगे तो जो हमारे 3D प्रिंटिंग जो भी प्रोसेस हैं ये हाई एनर्जी कंजम्पशन लेते हैं। अगर वही चीज जैसे सेम को हमको प्लास्टिक का प्रोडक्ट बनाना है और अगर वो हम इंजेक्शन मोल्डिंग के थ्रू बना रहे हैं, तो अगर वो प्रोडक्ट हम 3D प्रिंटिंग से बनाएंगे तो जो 3D प्रिंटर है हमारा वो इंजेक्शन मोल्डिंग की जो एनर्जी है उससे 50-100 टाइम्स ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम करता है। तो एक तो डिसएडवांटेज यही हुआ कि क्या है ये हाई एनर्जी कंजम्पशन है, दूसरा अगर बात करें तो काफी एक्सपेंसिव है 3D प्रिंटिंग जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो काफी एक्सपेंसिव है और लिमिटेड मटेरियल्स का यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज जब हम लोग 3D प्रिंटर्स में लेजर वगैरह यूज करते हैं तो हार्मफुल इमिशंस निकलते हैं, तो एक डिसएडवांटेज ये भी हुआ। दूसरा कॉपीराइट का भी इसमें का एक बड़ा डिसएडवांटेज है 3D प्रिंटिंग में, तो ये कुछ डिसएडवांटेज हैं जो कि हम लोग 3D प्रिंटिंग में हम लोगों को मिलते हैं। और लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे लोगों ने भी कि CAD, हाँ बेटा CAD का जो मतलब होता है वो होता है कंप्यूटर एडिट डिजाइन, मतलब हम जो एक डिजाइन कर रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं कंप्यूटर को इन्वॉल्व कर रहे हैं, मतलब ह्यूमन से अगर हम लोग जैसे आप लोग कॉलेजेस में इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते हैं सीट बनाते हैं तो वो क्या कर रहे हो तुम मैनुअली बना रहे हो, लेकिन अगर वही जो हम डिजाइन कर रहे हैं उसी डिजाइन को अगर हम कंप्यूटर को हेल्प लेके बनाते हैं तो वो हमारी होती है CAD, उसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर डिजाइन जिसको हम लोग CAD बोलते हैं। काफी सारे सॉफ्टवेयर भी आते हैं उसके लिए। आगे नीलेश ने क्वेश्चन पूछा है कि CLS material is open to environment has ability to convince heat loss, ठीक है environment इसमें जो है यूज करते हैं वो गैस गैस, इसमें क्या होता है कि environment से contact नहीं होता, जैसे हम लोग जब बिल्डिंग करते हैं तो एक जैसे ऑक्सीजन या फॉरेन पार्टिकल से embedded ना हो जाए इसके लिए हम inert गैस यूज करते हैं, से यहाँ पे भी हम लोग इनर्ट गैस यूज करते हैं जिससे वो एनवायरनमेंट से कांटेक्ट ना हो पाए। 3D मशीन इज इको फ्रेंडली, यस इको फ्रेंडली, इको फ्रेंडली होता है, बस थोड़ा सा यही है सर उसमें लेजर वगैरह हम लोग जब यूज करते हैं तो इमिशंस निकलते हैं तो जो वहां पे ऑपरेटर है उसको थोड़ा सा हार्म कर सकता है, लेकिन अगर हम लोग प्रिकॉशंस के साथ अगर देखेंगे तो इतना हार्मफुल नहीं होता है, तो इको फ्रेंडली तो होता है बिकॉज मटेरियल कम बेस्ड होता है हमारा, अगर मटेरियल कम बेस्ड हो रहा तो मतलब हमारा जो भी सिस्टम है उसको हम नहीं करेगा। इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या क्वेश्चन, टाइप ऑफ 3D प्रिंटर, टाइप ऑफ 3D बात हो रही थी, वो जो मेन टेक्नोलॉजी के मेथड से हैं वो तीन हैं, जैसे कि अभी फ्यूल के बेसिस पे हम बात कर रहे थे, अगर लिक्विड फॉर्म में फ्यूल, पाउडर फॉर्म में फ्यूल और सॉलिड फॉर्म में फ्यूल। सॉलिड फॉर्म के लिए FDM फ्यूल डिपोजिशन मॉडलिंग था और लिक्विड फॉर्म के लिए हम लोग जो है स्टीरियोलिथोग्राफी मेथड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे, और जो है पाउडर फॉर्म के लिए हम लोग जो यूज कर रहे थे वो सिलेक्टिव लेजर टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे। अब इन्हीं को हम लोग मॉडिफाई कर करके जो है जैसे सिलेक्टिव लेजर टेक्नोलॉजी, सिलेक्टिव लेजर टेक्नोलॉजी का जो टाइप है इनको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जैसे डायरेक्ट मेटल लेजर सैनिटाइजरिंग, इसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके हम लोग जो है मेल्टिंग है, जैसे अभी पाउडर हम लोग केवल पाउडर को सॉलिडिफिकेशन कर रहे थे, नेक्स्ट इसी को मॉडिफाई करके जो है सिलेक्टिव लेजर मेल्टिंग के नाम से प्रिंटर बनाया गया, उसमें क्या रहता है पाउडर को फर्स्टली मेल्ट कर रहा है और मेल्ट करने के बाद में उसका जो है लेयर फॉर्मेशन कर रहा है। ये नीलेश ने पूछा कन्वर्टिंग बेस्ट प्लास्टिक इनटू 3D प्रिंटिंग फिलामेंट, हाँ जो भी मतलब हमारे पास जो बेस्ट प्लास्टिक है हम उसको फिलामेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बस वो थर्मोप्लास्ट होना चाहिए, अगर वो थर्मोसेट्स है तब हम उसको रिसाइकिल नहीं कर सकते, थर्मोप्लास्ट है तो कुछ पार्ट में हम उसको रिसाइकिल करके क्या कर सकते हैं उसको मेल्ट कर सकते हैं और उससे हम लोग प्रोडक्ट बना सकते हैं, उसका फिलामेंट में बना के हम उसका प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो ये एक अच्छा आइडिया है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं जो प्लास्टिक का वेस्टेज है वो भी थोड़ा सा कम कर सकते हैं। इन्होंने मोहम्मद हासिम ने पूछा है हाउ डज इट नो व्हाट टू प्रिंट, उसके लिए हम लोग जो हमारा 3D प्रिंटर होता है उसको हम कंप्यूटर में जो हमने सॉफ्टवेयर पर जो हमने डिजाइन मतलब डाटा बनाया है एक मॉडल बनाया है जिसको हमने बोला था CAD मॉडल हम लोग बनाते हैं
उसको हम लोगों ने STL फॉर्मेट में चेंज किया है। तो हमने जब उसको क्या किया है, जब हमने उसमें दिया, जो हमारा 3D प्रिंटर है वो समझता ही STL फॉर्मेट। यहाँ पे होती है प्रिंटर को हम STL फॉर्म देंगे, उससे वो क्या करेगा, रीड करेगा और वो उसको पता लग जाएगा कि हमको क्या क्या चीजें ड्रॉ करनी है, कहाँ पे हमको मेटल को डिपॉजिट करना है, किस लोकेशन पे करना है, हमको टेबल मूव करना है या वर्टिकल मूव करना है, तो ये सारी चीजें वहां से पता लग। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का यूज कर सकते हैं मैम, थर्मोसेट से ही बना सकते हैं यहाँ पर। एनी अदर क्वेश्चन? यस, स्टेपर मोटर यूज किया जाता है। स्टेपर मोटर जो है इसका यक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन होना है। ये स्टेपर मोटर के थ्रू जो है उसको डेटा प्रोवाइड किया जाता है। मेन फंक्शन मदरबोर्ड ही करता है, बट उसको कमांड मोटर जो है कितना चलना है, वो डायरेक्शन यक्स में कितना चलना है, वाई में कितना चलना है, जेड में चलना है, कितना ये डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट okay, any other question? I think it is done. Yeah. थैंक यू एवरीवन। आगे अगर हम लोगों का टाइम अलाउ करता है तो हम लोग मैकेनिकल ब्रांच के लिए अलग से सेशन कर सकेंगे, जिसमें हम लोग इस चीज को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी जब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो हम लोग किसी दिन मिलके प्लान कर लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मैकेनिकल ब्रांच के जो बच्चे हैं उनके लिए एक अलग से सेशन करेंगे, तो एक एक टेक्नोलॉजी को बहुत ही डीप में मतलब डिस्कस कर लेंगे।